पास में ही हमारा धार रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंदौर धार दाहोद वाली लाइन और धार छोटा उदयपुर वाया जोबट अलीराजपुर लाइन भी यहीं से निकलने वाली है। धार फोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हैं दोस्तों, यार काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है, आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजा भोज की नगरी धार में, आपका स्वागत है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, मैं हूँ धार स्क्वायर में, घोड़ा चौपाटी जिसे बोलते हैं, फेमस स्क्वायर है ये, घोड़ा चौपाटी के नाम से जाना जाता है। वो समीप ही है लाल बाग परिसर यार, और देख सकते हैं आप धार की नगरी यार दोस्तों। आदिवासी जनजाति बहुल्य धार जिला सबसे बड़ा जिले में से एक यार हमारे मध्य प्रदेश के, और हम लोग आए हैं यार इंदौर दाहोद धार रेलवे लाइन पे चर्चा करने के लिए। देख सकते हैं आप इस धार का प्यारा सा नज़ारा दोस्तों, यहीं समीप ही बहुत बड़ा फोर्ट है, किला है, और हम लोग चलेंगे यार दोस्तों यहाँ से दाहोद इंदौर धार रेल लाइन में। तो देखते हैं यार वहाँ पे रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या काम चल रहा है दोस्तों। तो देखें यार ये कुछ नज़ारा हमारे धार शहर का। और दोस्तों हमारे इस धार शहर की बात करें तो आसपास के जितने भी गांव कस्बे हैं यार, उनको कनेक्ट करता है मुख्य रूप से हमारा धार। आप बात करें यहाँ से सरदारपुर, राजगढ़, झाबुआ, कुक्षी, मनावर, जोबट, अलीराजपुर, या इधर बात करें मांडव, धामनोद की, तो सीधे धार से बिल्कुल लिंक है, और यहीं से हमारा एक मेन हब बन जाता है धार, क्योंकि मुख्य इंदौर धार दाहोद वाली लाइन और धार छोटा उदयपुर वाया जोबट अलीराजपुर लाइन भी यहीं से निकलने वाली है दोस्तों भविष्य में। तो इस प्रकार से हमारा धार काफ़ी आने वाले समय में चर्चित रहेगा। तो कुछ इसी विषय में हम लोग बात करेंगे आगे, देखते हैं क्या स्थिति है इंदौर धार दाहोद रेलवे लाइन की दोस्तों। और ये प्यारा सा नज़ारा देखें, इस साइड में हम लोग झाबुआ निकल जाते हैं और इधर इंदौर की ओर चले जाते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या वर्क चल रहा है इस प्रोजेक्ट का। तो फ्रेंड्स ये देखें यार, ये हमारे धार फोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखें काफ़ी बड़ा फोर्ट है यार, किला है आगे, और पास से देखें तो देखें कुछ लोग भी ऊपर चढ़े हुए हैं। ये जो लोकेशन है, ये आप जो रोड देख रहे हैं पीछे, ये धार से नागदा जाने वाली रोड है, देख सकते हैं ये सीधे नागदा रोड के लिए चली जा रही है, और इधर ही हमारा इंदौर अहमदाबाद हाईवे भी क्रॉस होता है, और जस्ट इसके पास में ही हमारा धार रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लोकेशन थोड़ा सा इधर देखेंगे तो इधर ही धार का रेलवे स्टेशन बनेगा, हम चलेंगे उसके पास भी और आपको बताएंगे, लेकिन ये है लोकेशन धार नागदा हाईवे की, देख सकते हैं। और इधर जिधर से अपन आए, घोड़ा चौपाटी वाला जो रास्ता है, किला वाला जो रास्ता है, किला ग्राउंड जिसे बोलते हैं, सीधा इधर धार चौपाटी किला ग्राउंड, और इधर हम लोग नागदा पहुँच जाएंगे, और जस्ट इधर धार का रेलवे स्टेशन बनेगा दोस्तों। वहां चलते हैं पास में, देखते हैं कैसी क्या प्रक्रिया चल रही है। फाइनली फ्रेंड्स मुख्य ट्रैक पे आ चुके हैं हम लोग, इंदौर धार दाहोद रेलवे ट्रैक पे, और यहीं पे बनने वाला है यार हमारा धार रेलवे स्टेशन। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इधर जो नौ गाँव है धार की चर्चित मशहूर कॉलोनी है नौ गाँव, वहाँ से आगे आते हुए हम लोग नागदा रोड पे इसी जगह पे बनेगा यार हमारा धार का रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं स्लीपर भी आ चुके हैं और पटरियां भी आ चुकी है, पटरियां भी बताऊंगा मैं आपको पास से यहाँ पे, लेकिन अभी बिल्डिंग निर्माण जैसा काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, अर्थवर्क हो चुका है नीचे, अब इसके ऊपर गिट्टी वगैरह डलना बाकी है, और स्लीपर आ चुके हैं, पटरियां भी आ चुकी है दोस्तों। तो यार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यार परियोजना है दोस्तों धार तक के लिए, मैंने आपको तिही से लगातार मैं बता रहा हूँ आपको, और आज हम इस वीडियो में धार तक पहुँचे हैं, और यहाँ तक काम अर्थवर्क का काम लगभग पूरा हो गया है। तो देख सकते हैं यार ये नज़ारा हमारे धार रेलवे स्टेशन का, भविष्य में यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनेंगे यार, क्योंकि यार धार आने वाले टाइम में बहुत बड़ा जंक्शन होने वाला है। एक लाइन हमारी यहाँ से सीधे धार होते हुए, झाबुआ होते हुए दाहोद के लिए निकल जाएगी, और एक लाइन फ्रेंड्स यहाँ से छोटा उदयपुर के लिए भी प्रस्तावित है, जिसका काम भी हो चुका है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, मतलब जोबट तक लाइन डल चुकी है, और वहाँ पे भी परीक्षण हो गया है, रेलवे डीजल इंजन आ चुका है वहाँ पे भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बनने वाला है, एक तरफ तो हम लोग दाहोद के लिए निकल जाएंगे, और दूसरी तरफ हम लोग छोटा उदयपुर वाया जोबट
अलीराजपुर होते हुए हम लोग सीधे निकल जाएंगे यार फ्रेंड्स गुजरात के लिए। तो यार काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी होने वाली है यार हमारे धार क्षेत्र की इस जगह की। इधर देखेंगे तो नेशनल हाईवे फ्रेंड्स चल रहा है, इंदौर अहमदाबाद हाईवे जस्ट नज़दीक यार देखें इधर। और ये पूरा नज़ारा दोस्तों सीधा झाबुआ की ओर, दाहोद की ओर दोस्तों। तो देखें आप काम इस स्तर पर चल रहा है यहाँ पर, तो पूरा नज़ारा देखें। इधर देखेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा नेशनल हाईवे गुजरता हुआ देखें, बिल्कुल करीब है दोस्तों यहाँ पे नेशनल हाईवे, ये देख सकते हैं। और इधर ये भव्य स्पेस देखें आप, यहाँ पे ही हमारा धार रेलवे स्टेशन बनेगा। काफ़ी स्पेस है यार, काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये कुछ खंभे वगैरह आ चुके हैं और ये हमारा नागदा रोड। तो दोस्तों थोड़ी आगे हम लोग और निकले हैं तो देखें गिट्टी भी आ चुकी है, ये देखें गिट्टी का पूरा ढेर लगा हुआ है। और आगे भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी अपन देखते हैं किस प्रकार का काम चल रहा है। वहाँ पे जेसीबी वगैरह कुछ मशीनें रखी हुई हैं और ये देखें गिट्टी भी है। ये हमारे धार क्षेत्र का पूरा जो रेलवे स्टेशन के परिसर का जो पूरा एरिया है यही है, यहीं पर रेलवे स्टेशन बनने वाला है दोस्तों। तो और आगे चलते हैं और बताते हैं कि और क्या क्या दिखता है हमको। यहाँ देखें आप ये जो वर्क हो रहा है यार, ये मशीन है, इससे देखें वर्क हो रहा है, ये देखें तो पूरे ट्रैक को समतल किया जा रहा है दोस्तों, पूरे अर्थवर्क। और ये काफ़ी बड़ा नज़ारा है यार दोस्तों, यही भविष्य हमारा रेलवे स्टेशन होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यार काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है यार, पूरे जो ट्रैक है इसको पूरा समतल किया जा रहा है, पूरा बिछाव हो चुका है और कुछ ऐसा नज़ारा है। आगे की ओर भी देखेंगे तो उधर भी यार काफ़ी बेहतरीन, देखें आप मशीनरी खड़ी है वहाँ पे भी, पोकलैंड टाइप खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी वर्क हो रहा है और कार्य चल रहा है। ये पूरा धार का नज़ारा है दोस्तों, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी यहाँ से दोस्तों। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी यार मेरी अपडेट छोटी सी, और अगर अच्छी लगे यार फ्रेंड्स ये वीडियो तो क्या करना है अपने को, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें यार फ्रेंड्स, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि मैं कैसी क्या अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें फ्रेंड्स उधर धार फोर्ट जहाँ से हम लोग आए, ये देखें फ्रेंड्स वो पूरा किला दिख रहा होगा दोस्तों आपको, पूरा किला। ऐसे बताया जाए तो ये धार का आखिरी सिरा है, ये देखें यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं जो ये वर्क कर रहे हैं। और पास से ये देखें, हम आगे से बता रहे हैं आपको ये जगह, और इसके इधर रेलवे लाइन डलनी है लेकिन अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, आगे और अगर होता है तो बताएंगे आपको। ये आप नज़ारा जो देख रहे हैं ये धार एंड छोर का नज़ारा है, मैंने आपको आगे से पूरा बताया जहाँ पे धार का रेलवे स्टेशन बन रहा है और ये आखिरी एंड दोस्तों, यहीं पे धार स्टेशन ख़त्म होगा और इसके बाद से यहाँ से वर्क ख़त्म हो चुका है रेलवे लाइन का। आगे प्रक्रिया की जा रही है वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन ऐसी तेज कार्य नहीं है, देख सकते हैं इधर से ही होके जानी है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा विशेष यहाँ पर दिख नहीं रहा है कार्य। लेकिन यहाँ तक जो धार का आखिरी सिरा है यहाँ तक अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ये देखें आखिरी ये जगह जहाँ पे ये बड़ी एक जेसीबी पोकलैंड भी खड़ी हुई है, तो ये कुछ नज़ारा था दोस्तों आप देख सकते हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी यार दोस्तों बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है अपने को, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है दोस्तों, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आपको मेरी अपडेट पसंद आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों। तो कुछ ऐसे ही वीडियो में आगे भी मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे जर्नियों में मिलने वाले हैं दोस्तों, तो अपना ध्यान रखें, बाय बाय।